अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जी एंड एस व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट सुबीन। और अभी बज रहे हैं दोपहर के दो। व्लॉग हमेशा स्टार्ट करते करते हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अभी तो ये देखें, आज मेरा हाथ भी जल गया बहुत सख्त। बस मैं किचन में आई थी और किचन में हूँ और हाथ ना जलाऊँ ऐसा मुझसे होता नहीं। अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ, पानी गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी मामा को हुआ है कोविड, तो वो ना कभी ठंडा पानी नहीं पीती। तो अभी सुकून से बैठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है मैंने, जुम्मा है सबको। सबसे पहले तो जो है वो जुम्मा मुबारक। मैं ज़रा इसकी आँच हल्की कर लूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और आप सब लोग भी स्पेशली गर्म सर्दियों में तो गर्म पानी ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि उसके बाद आपको कम चांसेस है किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में। और कोविड वालों को तो डेफिनेटली गर्म पानी दें। जेबी को कब से मैं बोल रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट कर दो कर दो कर दो, लेकिन वो अपने ही कामों में लगा हुआ है। उसको भी शावर वगैरह दिलाया तो बिस्तर में बिठाया हुआ है। ठंड बहुत होती है यहाँ इस्लामाबाद में, तो फिर वो है भी बहुत वीक सा, सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। तो मैं पानी गर्म करके बोतल में डाल लूँ और उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या कर रहा है। एज़ यूजल वो गेम ही खेल रहा होगा, फिर उसको भी व्लॉग में ऐड करते हैं, देखते हैं फिर आगे सारा दिन हम क्या करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी मैं यहाँ पे अब चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे ना दांत में बहुत दर्द है, तो मैं चाय के साथ रस खाऊंगी खाने में भी। तो मैं पानी दिया मैंने मामा को गर्म करके, और जेबी मुझे दिखा नहीं उस रूम में, वो पीसी यूज़ कर रहा था। तो फिर मैंने कहा जल्दी से देर हो रही है, मैं अपने लिए और मामा के लिए चाय बना लूँ और मैं रस के साथ खाऊँगी खाना, रस और चाय मतलब। तो मैं इसमें पत्ती डाल दूँ, बस तैयार होने वाली है। उसके बाद उसकी क्लासेस होती हैं, स्पारा क्लास होगी और ट्यूशन की, दोनों ऑनलाइन ही होती हैं, तो फिर मुझे उसको साथ हेल्प करनी पड़ती है। फिर इंशाल्लाह अभी मैं देखती हूँ व्लॉग में कब आता है, एंट्री मार करता है। सो उसे बहुत पसंद है और मैंने स्पेशली उसी के कहने पर स्टार्ट किया व्लॉग, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का आजकल पता है, आजकल वो हम जब छोटे होते थे तो हम कुछ ना कुछ फिज़िकल खेला करते थे। आजकल के बच्चे जो है ना वो इंटरनेट पर चलते हैं, कभी टिकटॉक, कभी इंस्टाग्राम की रील्स, कभी व्लॉग्स, तो ये सब कुछ चलता रहता है। चले अब मेरी ये देखें उबलने पर गई है चाय, चाय रेडी करके खाना शाना खा लूँ, फिर आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। जी तो अभी हो गए हैं शाम के 6। अभी अभी हमने ली है ट्यूशन क्लास और देख सकते हैं जेबी कितना डाउन फील कर रहा है। वैसे भी पढ़ाई पर बहुत डाउन फील करने पड़ जाता है ये, लेकिन अभी काफ़ी देर काफ़ी ज़्यादा काम था तो सच में डाउन डाउन हो गया। तो आज पूरा दिन व्लॉग में नहीं आया, मैंने कहा जल्दी से व्लॉग में ले आती हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहा, बिजी रहा है। कल से इंशाल्लाह से स्कूल ओपन है, कोविड के बाद बड़े दिनों बाद स्कूल ओपन होंगे। और क्या ख्याल आते हैं जी आपके, पहले तो सलाम करें व्यूवर्स से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से बताएंगे। अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बुरा। क्यों? मतलब स्कूल का बहुत सारा काम है, ऊपर से कॉपी पे भी लिखना है, बुक पे भी लिखना है। अच्छा, ये तो होता है जब बंदा आखिरी दिनों पर काम छोड़ता है, तो फिर आप अपने एज के बच्चों को क्या बोलोगे, काम साथ कर लेना चाहिए कि नहीं? पहले ही काम करके छोड़ दो, फिर उसके बाद जो दो तीन दिन बचे हुए होंगे उसमें आराम करते रहना। अच्छा। मेरी तरह आस्ती पर मत दिखाना, वरना फिर आखिरी दिनों में परेशान बैठे हुए होंगे कि इम्तिहान सर पे है, क्या होना है ऐसे। ये तो है, पूरा दिन व्लॉग में क्यों नहीं आए, क्यों इधर उधर क्यों बिजी रहे? बिजी आदमी बहुत बड़ा बिजी आदमी है। चैलेंज अभी क्या आगे हम क्या करते हैं, तो अभी शाम के 6 बजे अभी कुछ चाय शाय का बंदोबस्त करते हैं। पापा भी आने वाले हैं, अब देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। जब पापा के आने का इंतज़ार होता है ड्यूटी से, जब वो आते हैं तो जाहिर है सबके घरों में ऐसा होता है कि बस इंतज़ार होता है जब बड़े बाहर से आएंगे कि क्या आता है खाने के लिए। और हम दोनों घर के मासूम से बच्चे हैं घर में, बहुत मासूम इतने मासूम है कि हम आपको देख भी रहे हैं, खा जाते हैं। आपको पता है कि आप कितने मासूम हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कितने मासूम शक्लें, ऐसे ही इधर भी है और इधर तो दिख ही रहा है ना। तो बस अब हमने भी हम भी पापा के इंतज़ार में देखते हैं कि क्या लेकर आते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर आप लोगों को बताते रहते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। अभी बहुत टाइम है ब्लॉग एंड करने में और अपलोड करने में, तो फिर होती रहेंगी बातें। चलें जी, ठीक है, देखते हैं। अभी मैं ये ट्यूशन चीज़ें वगैरह उठा लूँ, थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों थक जाते हैं। मैं इसको ऑनलाइन कराती हूँ तो मोबाइल में हैंडल करती हूँ, ये लिखता रहता है, दोनों हम एक साथ ही समझे ट्यूशन ले रहे होते हैं, तो इसलिए वो थक जाते हैं दोनों। चलें अब हम रेस्ट करते हैं जी, बाय बाय, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग में से मिलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पकौड़ा पार्टी चल रही है इस वक्त। आज थोड़े से लेट हो गए हैं पापा, बट ले आए हैं फाइनली, पकौड़े लाए हैं और ये देखें मज़ेदार, पर मज़े का कलर है और सॉस के साथ इंजॉय हो रहे हैं। और उसके बाद खाना शाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे और आप लोग भी व्लॉग देखें, मज़े करें और फिर सो जाएं। और उससे पहले हमारे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दें। चलें जी, अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे आपको। चलो जी, अल्लाह हाफिज़ बोल दो सबको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।